हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एम एन एस आज के वीडियो में हम मॉक टेस्ट का सेट फोर का पार्ट थ्री करने वाले हैं ठीक है इससे पहले हमने जीके एंड साइंस कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में हम इंग्लिश के फिफ्टी क्वेश्चंस करेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन है हंड्रेड एंड वन चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है वो आपको चूज करना है तो आंसर नहीं लिखा हुआ तो प्लीज ट्राई विद मी वर्ड है हॉटीनेस ओके okay? तो कौन सा गलत लग रहा है तो आपको जो सही लग रहा है उसको मार्क करो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री या सी ये करेक्ट स्पेलिंग होती है हॉटिनेस की नेक्स्ट है वन हंड्रेड एंड टू चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे भी आपको करेक्टली स्पेल वर्ड ही बताना है वर्ड है ग्रामर ओके वेरी इजी वर्ड ग्रामर तो ग्रामर का करेक्ट स्पेलिंग होता है ये वाला डबल एम आता है और ए आता है ठीक है e ई नहीं आता और यहाँ पे सिंगल एम ही दिया हुआ है तो ये वाला करेक्ट है अगला है हंड्रेड एंड थ्री ये भी यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग ही करेक्ट चूज करनी है ठीक है डोमिनेंट डिस इज डिमिनिश या डिपेंडेंट तो सबकी स्पेलिंग गलत है करेक्ट स्पेलिंग है डिपेंडेंट की ठीक है डोमिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ और डिजीज़ की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है डी आई एस ई ए एस ई यहाँ पे ए आ जाएगा अगला हंड्रेड एंड फोर चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्पेलिंग ही चूज करनी है वर्ड है एग्जॉस्टेड इंटेलिजेंट इक्वली या एमिग्रेट तो इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है इंटेलिजेंट ये है करेक्ट स्पेलिंग अगला यहाँ पे भी करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है जेन्युन करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए ठीक है ये होती है जेनुइन की करेक्ट स्पेलिंग नेक्स्ट है यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आई डैश वेरी बिजी लेटली वुड हैव हैव बीन विल बी शुड बी तो यहाँ पे आना चाहिए आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली ठीक है मैं आजकल काफी बिजी रह रही हूं अगला है हंड्रेड एंड सेवन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यहां पे भी आपको फिल इन द ब्लैक्स ही बताना है सार्थक डैश एवरीथिंग दैट अ लीडर शुड बी तो क्या होना चाहिए एप्टिमाइज एडोर वर्शिप या क्लोन्स देखो फिल इन द ब्लैंक्स ना काफी टाइप के आते हैं ये चीज मुझे क्लियर करनी थी एक, एक जैसे एक ये नॉर्मल इन द ब्लैंक है ठीक है ये आता है फिर ऐसे वर्ड के बेस पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स देन प्रपोजिशन के बेस पे आता है ठीक है प्रपोजिशंस फिर आता है कंज़ंक्शंस, कंज़ंक्शंस के बेस पे, फिर वर्ब के बेस पे, मतलब आपको दे दिया जाएगा कोई एक फॉर्म दे दिया जाएगा और उसका बताए आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट फॉर्म कौन सा है तो फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी तरीके से आते हैं तो ये तो आपको करना ही है अगर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ रहे हो ना इंग्लिश आपके फिफ्टी में से फिफ्टी भी आ सकते हैं ठीक है थीके? क्योंकि इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग है हाँ ग्रामर के कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे पूरा आपको वॉइस चेंज करना होता है वो डिफिकल्ट होता है जो बाकी की चीज़ें आती है वो ऐसी है कि अगर आप याद कर रहे हो या डेली रीडिंग हैबिट है वर्ड डेली लर्न करते हो टेन टेन तो आपको आराम से वो सब चीज़ें कर लोगे ठीक है जैसे जैसे कि हो गया स्पेलिंग करेक्शन हो गया फिर हो गया सिनेनम्स एंटेनम्स वन वर्ड सब्सट्यूशन वन वर्ड सब्सट्यूशन पढ़ोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा है एडियम एंड फ्रेजेस कितने मतलब करोगे ना डेली अगर दस 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 भी कर रहे हो आराम से फिफ्टी में से फिफ्टी आ, आ जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर नहीं बताया ना तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एप्टोमाइजर्स ठीक है वन हंड्रेड एंड एट हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन इन हर स्टडीज एनकरेज इंटरेस्टेड इम्प्रेस्ड या एक्सपेक्टेड तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनकरेज ठीक है हर पेरेंट्स ऑलवेज एनकरेज हर इन हर स्टडीज नेक्स्ट है वन हंड्रेड एंड नाइन द एंट्री गेट क्लोज डैश वी कुड एंटर इन टिल बिफोर आफ्टर या अंटिल तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिफोर द एंट्री गेट वर व्लोज बिफोर वी कुड एंटर इन एंट्री गेट जो थी पहले ही क्लोज हो गई थी और हम उधर एंटर हमारे एंटर करने से पहले वन हंड्रेड एंड टेन यहाँ पर भी आपको द ब्लैक्स बताना है तो आई एम टॉल आई फील इनफीरियर डैश अदर्स टू दैट अपॉन या फ्रॉम तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए या वन टू दो आई एम टॉल हालांकि मैं टॉल हूँ लेकिन मुझे दूसरों के सामने इंफीरियर फील होता है नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एंटेनम बताना है वर्ड है डिस्पर्स ठीक है डिस्पर्स का एंटेनम बताना है आपको ऑप्शन देखते हैं गैदर निकलेक्ट स्पेन या होल्ड तो डिस्पर्स मतलब क्या होना है uh, होता है फैल जाना ठीक है जब हमारी असेंबली ख़त्म हो जाती है तो हम बोलते हैं डिस्पर्स ये मैंने आपको डेली वैकेबलरी वीकली वकीबलरी जो होता है उसमें करवाया था और गैदर इसका एंटनम हो गया क्योंकि गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना एक जगह नेक्स्ट है यहाँ पे भी आपको एंटनम बताना है वर्ड है इम पार्शल ऑप्शन है बाइसड जुडिशियस इन या इन प्रैक्टिकल तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा बाइस बाइस मतलब किसी एक की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है दूसरे के कंपेयर में ठीक है जैसे आपको कैट पसंद है डॉग्स नहीं तो आप कैट के टू वर्ड्स हो लेकिन इम्पार्शियल तब होगा जब आपको हाँ कैट ज्यादा पसंद है लेकिन आप दोनों को इक्वली ट्रीट कर रहे हो नेक्स्ट है यहाँ पे भी आपको एंटेनम बताना है वर्ड है एक्यूट एक्यूट का क्या होगा डार्क क्लेवर ग्रेव या ब्लंट तो इसका करेक्ट एंटेम होगा ब्लंट यहाँ पे भी आपको एंटीन बताना है वर्ड है फोर्टाइल ऑप्शन सिविलाइज सेन या टफ तो फोर्टाइल आपको मतलब पता ही होगा और फर्टाइल का ऑपोजिट होता है बैरन लैंड से ही कर लो फोर्टाइल लैंड जहां हम कुछ उगा सकते हैं जहाँ पे सब कुछ हो रहा है बैरन लैंड जहाँ पे कुछ नहीं हो पाता अगला है वन हंड्रेड एंड फाइव यहाँ पे भी आपको एंटी ने बताना है वर्ड है फ्लक्चुएट और इसके ऑप्शन देखते हैं स्टेबलाइज मोबिलाइज वेव या स्टम्बल इसका करेक्ट एंटीनेम होगा स्टेबलाइज फ्लक्चुएट मतलब जो कुछ ज़्यादातर ही वोल्टेज में देखा जाता है ठीक है वो हिलता रहता है एक जगह जैसे अगर ये आपका वोल्ट मीटर है कुछ ऐसा समझ लो ठीक है तो ये कभी यहाँ जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है ऐसे होते जा रहा है बट स्टेबलाइज है तो अगर एक बार यहाँ रुक गया तो यहीं पर है नेक्स्ट ए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनेम यहा यहाँ पे आपको अब सिनेम बताने हैं इसी तरीके से आता है ठीक है जैसे पांच क्वेश्चन हो गए करेक्ट स्पेलिंग के पांच क्वेश्चन हो गए सिनेम्स के पांच क्वेश्चन हो गए एंटेनम के पांच हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के पांच हो गए वन वर्ड सब्सूशन के तो इसी तरीके से फाइव फाइव करके ही सारे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर ठीक है तो अभी सिनेम्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है वर्ड है इमेंस इसके ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट डल माइन्यूट या मैसिव तो इसका करेक्ट सिनेम होगा मैसिव ठीक है इमेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा अगला यहाँ पे है डीप इनवर्ड है इसका सिनेम से हमें बताना है सूथ न्यूट्रलाइज रिलीफ या इंटेंसिफाई तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन फोर इंटेंसिफाई अगला है करेज ऑप्शंस है मीकनेस वैलर िटी या टिमिडिटी तो करेज सिनेनम है वैलर का ठीक है टिमिड तिम, उसको बोलते हैं जो बहुत ही डरा डरा से रहता है ठीक है उसको टिमिट बोलते हैं तो ये इसका एंटेनम हो जाएगा अगला है ये भी सिनेम है चिड फ्लैट कमेंड अप्रूव या रिब्यूक इसका करेक्ट आंसर होगा रिब्यूक ठीक है चिड मतलब होता है रिब्यूक और इन दोनों का ही मतलब क्या होता है चिड मतलब और रिब्यूक मतलब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना ठीक है या उसकी बुराई करना जो बोल सकते हैं तो वो होता है इसका मीनिंग अगला है अभी आपको क्या बताना है यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम ठीक है ई है बेंड ओवर बैकवर्ड तो ये ईडियम है आपको इसका मीनिंग बताना है टू एक्सप्रेस sudden shock to exert a lot of efforts towards some end to end all activities to confess a crime bent over backward क्या लग रहा है आपको मार्क्स करते जाओ आई होप सबको कर रहा होगा लास्ट में आप अपने मार्क्स भी बताना फिफ्टी आउट ऑफ कितने आए और ये लास्ट पार्ट है तो टोटल आप देख लेना कि वन फिफ्टी में से आपके कितने आ रहे हैं ठीक है तीनों सेट अगर आपने सॉल्व किया है तो प्लस करके देख लेना एक जगह लिख के रखो कि हाँ मेरे इतने इतने आए और बाद में प्लस करके देख लो कि वन फिफ्टी में से कितने आए सो so इसका करेक्ट आंसर है टू कन्फेस टू अ क्राइम तो बेंड ओवर बैकवर्ड का मीनिंग ये होता है अगला है यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्सटूशन बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये आपको दिया हुआ है इसका वन वर्ड सब्सटूशन क्या होगा समथिंग विच लीड टू डेथ फेटल ट्रायल पीनल या वाइटल जिसका करेक्ट आंसर होगा फेटल ठीक है कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी चीज जिससे हमारी डेथ हो जाए तो उसे हम फेटल बोलते हैं ज़्यादातर आपने डिजीज के लिए सुना होगा कि ये एक फेटल डिजीज़ है अगला यहाँ पे भी आपको सब्सटूशन देना है वन मथ सब्सटूशन एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन उसको क्या बोलेंगे हम स्पाइन स्कल स्केलेटन या स्किन तो उसको हम बोलेंगे स्केलेटन अगला है यहां पे भी वन वर्ड दे रहा है एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड ग्रेस एक ऐसा एरिया ग्रास लैंड का जहां पे एनिमल्स चरते हैं ठीक है फॉरेस्ट पार्क मेडोस या गार्डन तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेडो मैडो मतलब ही यही होता है कि एक ग्रास लैंड तो आपने गाय वगैरह का देखा होगा उनका एक अलग से होता पहाड़ों पे या जंगल में जाके उनको नहीं छोड़ा जाता तो वो ग्रास लैंडस में जाके कर चढ़ती हैं अगला अभी वन विथ सब्सिट्यूशन है वन हु प्रिटेंड्स टू बी वट ही इज़ नॉट कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड कर रहा है कुछ ऐसा बनने का या कुछ ऐसा जो वो नहीं है ठीक है डायरेक्टर हिपोक्रेट क्रिएटर या एक्रोबैट तो उसको हम बोलते हैं हिपोक्रेट ठीक है मतलब वो कुछ और बोलता है वो अंदर से कुछ और है तो वैसे इंसान को हम ये बोल सकते हैं अगला है प्लेस वे नन लिव एंड वर्क ऐसा प्लेस जहाँ रहती हैं और काम करती हैं कॉन्वेंट डोमिटोर हॉस्टल या क्वार्टर्स तो इसका करेक्ट होगा कॉन्वेंट अगला फिल इन द द ब्लैंक्स विद फिल्रोप्रियट ऑप्शन डैश यू लाइक सम वाटर डू वुड शैल या कैन तो इसका होगा वुड यू लाइक सम वाटर ठीक है तो ऑप्शन टू या बी इज द करेक्ट आंसर अगला है बी मस्ट स्टार्ट नाउ डैश इट विल बी टू लेट तो अंटेल अनलेस और या बट तो होगा वी मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल बी टू लेट तो यहाँ पर आएगा और ठीक है तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट अगला है फाइंड द एर अच्छा आपको अभी यहाँ पर एरर फाइंड करना है तो सेंटेंस दिया जाता है उसमें से किस पार्ट में एरर है वो बताना होता है ठीक है इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर ये है आपका सेंटेंस फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर इट इज़ नॉट पॉसिबल नो एरर अभी यहाँ ऐसा दिया ज़्यादातर क्या करते हैं ये जो डैश दिया हुआ है इसी के इसी के बाद लिख देंगे जैसे A, ये ए ये पोर्शन बी ये पोर्शन सी ऐसे करके लिख देंगे ठीक है ये बी सी और ये लास्ट वाला डी तो ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी पूछा जा सकता है तो इसमें जो गलती है वो यहाँ है फॉर वी यहाँ पर आना चाहिए फॉर मी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड हर नेक्स्ट है द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है ऑप्शन ए है कॉर्नर इज फैट ऑप्शन बी है नो एरर ऑप्शन सी है स्टैंडिंग इन द या द लेडी तो इसमें कोई भी एरर नहीं है ये सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली ठीक है द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट नेक्स्ट है अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट द फर्स्ट क्लास नो एरर तो कहाँ पे गलती है नो एर सही होगा या अ फर्स्ट क्लास अनलेस यू प्रिपेयर प्रिपेयर वेल या यू विल नॉट गेट तो इसमें भी कोई गलती नहीं है ये सेंटेंस करेक्ट है अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास नेक्स्ट है द चाइल्ड ऑलवेज गो फॉर स्लीप विद स्टडी बियर तो इसमें क्या गलती है विद स्टडी बियर गो फॉर स्लीप नो एरर द चाइल्ड ऑलवेज तो यहाँ पे goes टू स्लीप यहाँ गलती है goes टू होगा for की जगह ठीक है अगला है यहाँ पे ईडियम एंड फ्रेज है कैट whiskers। इसका मतलब आपको बताना है अ वेरी इजी मैटर टू बी हाईली इम्प्रेस impressive, टू बी वेरी डिटर्मेंट या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू बी हाईली इम्प्रेसिव ठीक है कैट्स विस्कर्स मतलब होता है टू बी हाईली इम्प्रेसिव बर्ड ऑफ द सेम फैदर इसका मतलब क्या होता है पीपल विद अ जेनेरस हार्ट टू गेट इन टू टुगेदर टू बी इन अ टोटल हेल्पलेस कंडीशन पीपल विद अ सिमिलर कैरेक्टर्स तो कुछ कुछ ऐसे होता है आप रीड करके भी बता सकते हो ये वैसा ही है बर्ड्स ऑफ अ सेम फैदर इससे आपको कौन सा लग रहा है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर ठीक है पीपल विद अ सिमिलर कैरेक्टर नेक्स्ट वन इज टू पिक अप अ द थ्रेड ठीक है टू पिक अप द थ्रेड्स टू एग्जामिन एन इशू सीरियसली बींग रिसीव्ड वेरी वॉमली टू री स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियसली क्लोजिंग पॉइंट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस सो इसका करेक्ट आंसर क्या है प्लीज लिखो अपनी कॉपी में करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट नेक्स्ट है इन द द ब्लैंक्स योर आंसर बुक विल बी डैश बाय कंप्यूटर सबमिटेड रिप्लाइड या टेस्टेड तो इसका करेक्ट होगा इवेल्युएट हमारी जो आंसर बुक्स है वो कंप्यूटर इवेल्युएट करेगा ठीक है अभी तो टेस्ट भी कंप्यूटर से होने लगा है तो कंप्यूटर ही चेक करेगा कंप्यूटर ही मार्क्स देगा नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रजेट्स इज रिटन एज टी एफ आई एफ एफ पी वट विल बी द कोड फॉर कॉर्डनेट ठीक है ये एक क्या है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया ये या तो इंग्लिश में या तो जी के पोर्शन में दोनों पोर्शन में कभी कभी देखने के लिए मिला है और मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ये अगर आपको नहीं करना तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पर वहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस लिखा था इस बार तो मुझे लग रहा है कि रीजनिंग आ सकती है इसलिए मैंने कहीं कहीं पे बीच बीच में रीजनिंग के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं इफ़ यू डोंट वांट टू डू आपको लग रहा है कि नहीं आने वाला तो आप स्किप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री या आप खुद सॉल्व करके देख लेना ठीक है आर को यहाँ पे टी लिखा है आई को इन्होंने एफ़ लिखा है जी को आई लिखा है आई को एफ़ लिखा है दोबारा फिर डी को भी एफ लिखा है और एस को पी लिखा है तो इसकी जगह भी ऐसे ही होगा एक में आगे लिया या पीछे लिया कुछ वैसे करके है इसका ठीक है नेक्स्ट है इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज मैंगो इज रिटन एज दिस ग्रेट इज रिटन एज दिस वट विल बी द कोड फॉर ग्रीन मैंगो को लिखा है नाइन थ्री फोर टू फाइव ग्रेड को लिखा है टू एट सिक्स थ्री वन ग्रीन को कैसे लिखेंगे तो ये तो आपको पता चल गया कि जी के लिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है टू और ये सारा यहाँ पे स्टार्टिंग में टू ही है तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री टू एट सिक्स सिक्स वन ओके यहाँ से देखो ई e है ई e के लिए क्या यूज़ किया है इन्होंने सिक्स और यहाँ पे दो बार सिक्स यहीं आ रहा है अगला है सेलेक्ट द ऑप्शंस इन विच द लेटर गिवन हैज़ अ सेम रिलेशन एज शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ द लेटर डी पी को एफ आर के इक्वल बताया है तो इसके आगे क्या होगा आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी दिए थे टेलीग्राम पे अगर आपने किया होगा या टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा जैसे रिलेशंस वाले कि जैसे डॉक्टर का हो गया सेतकोप तो पेंटर का क्या होगा ऐसे करके मैंने दिया था तो पेंट ब्रश ठीक है तो ये रिलेशन टाइप के होते कि डॉक्टर का ये तो पेंटर का क्या तो वैसे डी पी के लिए एफ आर है तो आगे कौन से दो लेटर आएंगे इसमें ये पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर एम ए सी नेक्स्ट है सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा ये पूछा है ठीक है फाइव के बाद लिया है टेन टेन के बाद लिया सेवन सेवन के बाद लिया ट्वेंटी सिक्स फिर थर्टी सेवन तो आगे क्या आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर है फिफ्टी अगला भी नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर एंड द सेम वे द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर तो इसके रिलेटेड आपको एक खोजना है, जैसे अभी मैंने वो पेंटर वाला बताया उसी टाइप का है तो सिक्सटीन से नाइन रिलेटेड है तो थर्टी सिक्स से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है नाइनटीन तो सरकम होता है सर्कल का पेरीमीटर किसका होता है थ्री डी बिग ब्रेथ या स्क्वायर तो पैरिमीटर होता है स्क्वायर का ठीक है नेक्स्ट है सैलरी मिलती है जॉब से प्रॉफिट किससे मिलता है लॉस से बिजनेस से यूथ से या सेलर से तो प्रॉफिट मिलता है बिजनेस से इसी तरीके से वाटर ड्रिंक ब्रेड क्या होगा हार्ड ईट मिल्क या वाइट तो इसका क्या होगा करेक्ट ईट अगला शी रिटर्न द बुक आफ्टर शी डैश इट रीड्स इट रेड इट हैज़ रेड वॉज रीड तो ये फिलहाल द ब्लैंक्स किस पे यही होते हैं वर्ब्स ठीक है verbs, एक मतलब वर्ड है उसका अलग अलग फॉर्म दिए जाते हैं तो आपको बताना होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैज रेड ठीक है उसने तब बुक रिटर्न की जब उसने पढ़ ली तो शी रिटर्न द बुक आफ्टर शी है माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू होम इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वहाँ पे सब्सटीशन होगा अगर कोई सब्सटीशन की ज़रूरत नहीं है तो नो no इम्प्रूवमेंट कहाँ पे कुछ ऐड या सब्रैक्ट होना चाहिए वो ठीक है डाउन आउट ऑन नो इम्प्रूवमेंट सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज़ डाउन तो होगा माई कार ब्रोक डाउन नॉट ब्रोक ऑफ ठीक है माई कार ब्रोक डाउन ऑन माई वे टू होम पे भी, भी वही है आई विल राइट यू वेन आई विल रीच न्यू डेली आई रीच आई विल बी रीचिंग आई एम रीच्ड या नो no इम्प्रूवमेंट तो इसकी जगह क्या आएगा वो बताना है हमें तो होगा आई रीच्ड ठीक है आई विल राइट टू यू वेन आई रीच न्यू डेली सो ऑप्शन वन इज करेक्ट यहाँ पे भी फिलहाल ब्लैंक से अकबर हैड डैश रेन देन बाबर मोर लॉन्गर लॉन्गर लॉन्गेस्ट या लॉन्ग तो यहाँ पे डिग्री बतानी है सुपरलेटिव डिग्री या कौन सी डिग्री लग रही है तो एक ही इंसान से यहाँ पे कंपेयर किया गया है बाबर को अकबर को बाबर से ठीक है तो यहाँ पे कौन सी डिग्री लगेगी second, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड विच इज लॉन्गर तो यहाँ पे आएगा अकबर है लॉन्गर रेन देन बाबर क्यों देखो लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट ऐसा होता है ना तो अगर किसी से कंपेयर नहीं किया तो वो लॉन्ग लिखते अभी एक इंसान से कंपेयर किया तो यहाँ पे लॉन्गर आ रहा है लेकिन अगर हम ए, दो से ज़्यादा या दो से करते तो वहाँ पे लॉन्गेस्ट आता बिकॉज वहाँ पे दो से ज्यादा लोगों से कंपैरिजन हो रही है अगला है ई है ये टू लेट बाय द नोस टू हिट सम वन ऑन द नोस टू कंप्लीटली कंट्रोल सम वन टू बर्ड इन सम वन विद वर्क टू डिपेंड टोटली ऑन सम वन टू लेट बाय नोस का मीनिंग बताना है इसका करेक्ट आंसर है टू कंप्लीटली कंट्रोल समवन ठीक है किसी को पूरी तरीके से कंट्रोल करना तो उसको तुम बोल सकते हैं कि टू लेट बाय नोस नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पी मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस इट विल बी टू लेट ऑप्शन है बट और नो इम्प्रूवमेंट अंटिल तो इसका करेक्ट होगा और मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल बी टू लेट ठीक है यहाँ पे और आएगा इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी यहां पर आपको सिलेक्ट करना है पे कार का अगर व्हील होता है तो क्लॉक का क्या होता है सेकेंड आर निडल या सर्कुलर तो होता है निडल जैसे कार की व्हील होती है वैसी क्लॉक की निडल होती है ठीक है सो डू कमेंट योर मार्क्स और अगर आपको मॉक टेस्ट के पीडियव चाहिए तो आप स्टोर से ले सकते हैं स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर डेली क्विज होता है एम से रिलेटेड आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ऐसे ही और भी एम रिलेटेड वीडियोज़ और मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग आइज़